हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं एक नई सी रेसिपी अपने मन से ही। तो मैंने कहा कुछ चलो कुछ अगड़म बगड़म ही करते हैं कुछ। मतलब आज सब्जियां बहुत कम थी घर में, तो सोयाबीन मैंने भिगो दिया था, फूल गया था, तो इसे मैं चॉप कर लेती हूँ चॉपर में। तो वही मैं चॉप कर रही थी और इसको सब बारी बारी से, काफ़ी सारा था मतलब भिगोया तो मैंने दो ही मुट्ठी था, लेकिन ये फूल के कुछ ज़्यादा ही हो गया। फिर मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसे सारे के सारे मैं चॉप कर लेती हूँ। तो बस इसको चॉप करती हूँ, फिर चलती हूँ किचन में। तो ये देखिए मैंने सारा चॉप कर लिया है, और इस तरह से मतलब बहुत ज़्यादा महीन बारीक एकदम नहीं करना था, ऐसे ही करना था, तो मैंने इतना ही किया। एक आलू थी तो उसको मैंने कट कर लिया है, उबली हुई आलू रखी थी, और एक प्याज था वो भी कट कर लिया है। थोड़ी सी ये घर की बनी पनीर है तो इसको भी मैंने रख लिया है कट करके। इतना सब मैंने रखा है आलू भुजिया, थोड़ी सी मूँगफली थी, और ये मैंने सारे मसाले पेस्ट बना लिए हैं। तो इसमें हल्दी है, मिर्च पाउडर है और जीरा पाउडर है, गरम मसाला थोड़ा सा है। तो सभी को मैंने पेस्ट बना लिया है, और इसको मैंने दही में पेस्ट बनाया है थोड़ा सा दही डाल के। तो अब डालती हूँ इसमें थोड़ा सा जीरा, और तेल मेरा गरम हो चुका है, तेल काफ़ी गरम हो गया था तो जीरा जल्दी चटक गया। तो फिर उसके बाद मैंने तुरंत डाल दिया प्याज। तो प्याज अब ब्राउन होने तक थोड़ा सा भून लेंगे। तो इसमें थोड़ा सा मैं हींग भी डाल देती हूँ, एक चुटकी के लगभग हींग था तो मैंने कहा भी डाल देती हूँ। तो इसको मैं अच्छे से भून लूँगी, और उसके बाद फिर मैं इसमें धीरे धीरे करके एक एक चीज़ डालूँगी। तो प्याज मेरा हो गया था तो मैंने इसमें डाल दी है मूँगफली, और मूँगफली के बाद फिर मैं इसमें डालूँगी पेस्ट जो मसाले का मैंने बनाया है। और फिर पेस्ट डालने के बाद फिर मैं इसको अच्छे से भूनूंगी, तब तक भूनूंगी जब तक कि तेल ना छोड़ने लगे मसाले से। तो ये देखिए मेरा मसाला तेल छोड़ दिया है, और ये काफ़ी हद तक मतलब पक चुका है, और काफ़ी अच्छी सुगंध भी आ रही थी मसाले से। तो फिर इसमें मैंने डाल दिया जो नमकीन थी आलू भुजिया, तो उसको भी मैंने डाल दिया। और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी पनीर, तो पनीर को भी चला के, और फिर इसमें मैं डाल दूँगी सोयाबीन और आलू। तो धीरे धीरे मैं सारे आइटम जो हैं वो सब कुछ मैं डाल के इसमें चलाऊँगी और इसको भूनूँगी। तो आज कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या बनाया सब्ज़ी में, तो बस ऐसे ही मेरे मन में आया कि चलो जो है घर में उसी से मैं कुछ एक अलग तरीके से नई रेसिपी कुछ बनाती हूँ, और देखती हूँ कि घर में किसी को पसंद आता है कि नहीं आता है। तो पहले मैं इसको बना रही हूँ, और इतना सारा सामान पड़ा है तो फिर पसंद तो आना ही चाहिए। तो इसको अच्छे से मैं चला के भून लूँगी, उसके बाद फिर अपने हिसाब से मैं पानी डालूँगी, फिर नमक वगैरह डाल के, फिर मैं थोड़ा सा इसमें टमाटो सॉस भी मिला दी थी ऊपर से, क्योंकि टमाटर नहीं था तो मैंने कहा टोमेटो सॉस ही डाल देते हैं। तो ये देखिए मैंने टोमेटो सॉस भी डाल दिया है, और नमक भी डाल दिया है, और पानी भी मैंने डाल दिया है। सब कुछ डाल के फिर इसको ढक के मैं पकाऊंगी धीमी आंच पे। तो कम से कम 10 मिनट तक इसको पकाना है, और गैस को मैंने एकदम स्लो ही रखा है। इधर मैंने कहा जब तक सब्ज़ी बनती है तब तक मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ एक कप। तो इधर देखिए सब्ज़ी मेरी बन चुकी है, थोड़ा सा बाकी था और पकना। तो एक बार मैं खोल के देख रही थी कि ये पकी है कि नहीं पकी, तो पक गई थी, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा और पका लेती हूँ, और बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी सब्ज़ी से। तो आप लोगों को सब्ज़ी कैसी लग रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी इसको मैं ढक देती हूँ, उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद गैस बंद कर दूँगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरी सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है, बहुत ही यम्मी यम्मी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। और इधर मैंने रोटी भी सेक ली है, तो ये रोटी मैंने निकाल दी है हस्बैंड जी को टिफ़िन में पैक करने के लिए। तो अभी मैं उनको टिफ़िन पैक कर देती हूँ, एक में सब्ज़ी एक में रोटी। तो सुबह सुबह मैंने यही बनाई थी, उसके बाद फिर मैं दिखाऊँगी आपको कि दोपहर में आ गया था पार्सल एक मैंने ऑर्डर की थी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ क्या आया था।
सो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। और सच में इतनी स्वादिष्ट, इतनी टेस्टी सब्जी बनी थी कि मतलब सब ने खाया और सबको पसंद आई, तो अच्छा लगा, मेहनत सफल हो गया। जो भी था घर में अगड़म बगड़म सब मिला के मैंने सब्जी बना दिया और सबको अच्छा भी लगा। तो कभी कभी अपने थोड़ा दिमाग लगा लेती हूँ कि घर में अगर सब्जी ना रहे कुछ तो इधर उधर मैनेज कर लेती हूँ, मतलब है थोड़ा बहुत दिमाग है लेकिन चलो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये पार्सल आया है, मैंने कुछ मंगाया था कुहू के लिए, तो आप लोगों को दिखाती हूँ और आप लोग कमेंट करके बताना कैसा है। और ये मुझे पड़ा 315 रुपए का। ये है पैंट और ये भी है पैंट, ये दोनों पैंट दो मतलब कलर थोड़ा चेंज है और दोनों पैंट ये मुझे पड़ा 315 रुपए का। थोड़ा सा खोल के आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से लास्टिक वाला है, डोरी भी है और लास्टिक भी है, तो सही है। और इसको भी दिखा देते हैं। ये घर में पहनने के लिए मंगाया है मैंने कुहू के लिए, तो कैसा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। उसको ज़्यादा फुल पैंट ही पसंद आता है, हाफ बस कभी कभार ऐसे ही घर में पहन लेती है, नहीं तो जैसे बाहर निकलती है तो फुल ही पहनती है। तो बोल रही थी कि मुझे लास्टिक वाला पैंट मंगा दो मम्मी, तो मैंने यही मंगा दिया दोनों दोनों 315 में मिल गया। और कपड़ा भी अच्छा है, हल्का है, मतलब भारी नहीं है, सही है। तो कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा। मिलेंगे फिर जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।